तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो इस तरीके की जो पतली वाली जो स्टील की जो पर्दे वाली पाइप होती है उसे हम यहाँ पे 2.5 फीट ले लेंगे। और उसके बाद जो इस तरीके का जो वाटर सप्लाई ऑन ऑफ करने वाला जो इस तरीके का एक डिवाइस होता है नल की तरह, इसको हमको ले लेना है। तो इसकी प्लास्टिक का है तो इसलिए मुझे सस्ता मिला है, ये मैंने 10 रुपये का मार्केट से लिया है, तो इसे हम ले लेंगे। और फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे जो मुलायम वाली जो पाइप होती है उसे हमें ले लेना है, और उसे हमें इससे इसके अंदर इस तरीके से डाल करके जो एक्स्ट्रा पाइप है उसे हम कैंची की मदद से यहाँ पे काट करके निकाल देंगे। अब फ्रेंड्स, पाइप के अंदर हम थोड़ा सा यहाँ पे फेविक्विक लगा देंगे और इसको हम पाइप के अंदर डाल करके इस तरीके से यहाँ पे चिपका देंगे। और यहाँ पे ऊपर के साइड में भी मैं थोड़ा फेविक्विक लगा दे रहा हूँ इस तरीके से, ताकि ऊपर से यहाँ से मजबूत हो जाए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पीछे के साइड में मैं एक छोटा सा एक जो कड़ा वाला जो पाइप होता है पानी वाला, उसे मैंने ले लिया है और इस तरीके से मैं इसे पीछे के साइड में लगा दिया हूँ। अब फ्रेंड, जो मोटा वाला जो प्लाई होता है उसे मैंने ले लिया है, और यहाँ पे गन के हैंडल बनाने के लिए यहाँ पे उसके शेप में मैंने एक पेपर काट लिया है, और उस पेपर को मैं इस प्लाई के ऊपर इस तरीके से चिपका दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं इसके ऊपर आउटलाइन कर दूँगा, और आउटलाइनिंग कर देने के बाद यहाँ पर इस पेपर को मैं निकाल दे रहा हूँ। और उसके बाद इस पटरे यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में मैं थोड़ा और मार्कर लगा दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं इस पटरी को स्क्रोल सॉ मशीन की मदद से काट के निकाल दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो जिस मशीन से मैं कट कर रहा हूँ ये एक स्क्रोल सॉ मशीन है, तो इसकी मदद से आप किसी भी लकड़ी को किसी भी शेप में आसानी से कट कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इसकी मदद से मैंने इसे काट करके निकाल दिया है। तो अभी इसका हैंडल जो है वो इस प्रकार का होगा। अरे फ्रेंड्स, ये वाला जो हमने पार्ट बनाया था इसको हमको क्या करना है, इस हैंडल के ऊपर इस जगह पे थोड़ा आगे के साइड में हम फेविक्विक से चिपका देंगे, और फेविक्विक से चिपका देने के बाद फ्रेंड्स हमें इसके अंदर सीमेंट भर देना है, और सीमेंट भर के यहाँ पर ऊपर से हम थोड़ा इसे फिनिशिंग करके इसे सफाई कर देंगे, और उसके बाद इस सीमेंट को हमको यहाँ पर जाम कर देना है। तो इसके ऊपर मैं फेविक्विक गिरा दूँगा, तो ये फ्रेंड्स सीमेंट बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा और ये अच्छे से मजबूत हो जाएगा, और ये जो पाइप है वो गन के हैंडल पे ऊपर के साइड में चिपक जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ये निकलेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरीके का एक जिप टाई केबल ले ले रहा हूँ और इस रबड़ पे मैं इसे यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पे जो हवा का जो प्रेशर होगा उसकी मदद से ये पाइप बाहर ना निकल जाए। तो ये आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान देना है कि इसे आपको बिल्कुल टाइटली लगाना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे लगा दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 1.25 लीटर का जो ड्यू वाला जो बोतल होता है उसे मैंने ले लिया है, और पीछे के साइड में मैं एक होल कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो बाइक के ट्यूब का जो वाल्व होता है उसे मैंने ले लिया है, और साइकिल की एक चौकोर सी ट्यूब काट करके मैंने इसके ऊपर इस तरीके से लगा दिया, और जो एक्स्ट्रा ट्यूब है यहाँ पर मैं उसे कैंची की मदद से काट करके निकाल दे रहा हूँ, और इसे मैं किसी चीज़ की मदद से बोतल के अंदर डाल दूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक साइकिल की तीली ले ली है, इस तीली की मदद से मैं इसे बोतल के अंदर डाल करके पीछे के साइड से यहाँ पे मैं इसे बाहर निकाल दे रहा हूँ। और इसे बाहर निकाल देने के बाद इसके ऊपर वाली जो नट है उसे मैं कस देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं साइकिल की एक ट्यूब काट करके इसके ऊपर लगा दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पे कोई भी एयर लीकेज ना हो, और यहाँ पे जो इसकी नट है ऊपर से मैं इसे बिल्कुल टाइटली, जो हमारा ये प्लास होता है उसकी मदद से मैं यहाँ पे इसे बिल्कुल टाइटली कस दिया हूँ, और जो यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा ट्यूब है उसे मैंने कैंची की मदद से काट करके निकाल दिया है। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी एयर लीकेज ना रह जाए इसके लिए यहाँ पे मैं इसे ग्लूगन से बिल्कुल अच्छे से सील कर दिया हूँ। अभी फ्रेंड्स, जो इसके आगे का कैप है उसमें मैंने एक बड़ा सा होल कर दिया है, और यहाँ पर जो पानी वाला जो पाइप वाला जो ज्वाइंडर होता है उसे मैंने ले लिया है, और इस ज्वाइंडर को मैं यहाँ से थोड़ा सा कट कर दे रहा हूँ। और इसे कट कर देने के बाद मैं यहाँ पे इस होल में इसे डाल दूँगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसे फेविक्विक से चिपका दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने इसे फेविक्विक से चिपका दिया है। अब हमको क्या करना है, इसे पीछे के साइड से हम यहाँ पे इसे जो हमारा जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसकी मदद से मैं इसे गर्म करके थोड़ा सा खुरदुरा कर दे रहा हूँ, ताकि जब भी मैं यहाँ पे एमसील लगाऊँ तो एमसील को ये अच्छे तरीके से पकड़ ले। तो ये इसे आपको प्लेन नहीं छोड़ना, आपको इसे थोड़ा जला करके खुरदुरा टाइप का बना देना है, ताकि जब भी आप यहाँ पे एमसील लगाओ तो वो एमसील को अच्छे तरीके से पकड़ ले और जॉइंडर बाहर ना निकले। तो यहाँ पर मैं इसमें एमसील डाल दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से हमें एमसील लगा देना है। तो एमसील को हमें कुछ इस तरीके से लगाना है, ताकि जब भी हम ढक्कन बंद करें तो ढक्कन बंद करने में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे मैंने आगे और पीछे कुछ इस तरीके से एमसील लगा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में मैंने एमसील लगाया, और एमसील बिल्कुल सूख के अच्छी तरीके से ठोस हो चुकी है। तो
तो भी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसे बोतल में अच्छे तरीके से बंद कर दे रहा हूँ। ध्यान देना है आपको एम सील ऐसे तरीके से लगा देना है कि जो ढक्कन है वो बोतल में आराम से बंद हो जाए, वो दिक्कत ना करे। तो उसको लगा देने बाद अभी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसके हैंडल फिर से ले लिया है, और यहाँ पे जो बोतल है इस बोतल को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो पाइप है इस पाइप को मैं इस जॉइंटर में इस तरीके से लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसे जिप टाई केबल से कस दूँगा, टाइट कर दूँगा, ताकि जब भी यहाँ पे हवा का प्रेशर बने तो इस प्रेशर से जो पाइप बाहर न फेंक दे। तो इसलिए यहाँ पर मैं इसे जिप टाई केबल से अच्छे से इसे बांध दे रहा हूँ। अभी जो एक्स्ट्रा हमारा जिप टाई केबल है उसे मैं कैंची की मदद से काट के निकाल दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने उसे काट के निकाल दिया है। अभी जो इसकी बोतल है इस यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल टाइटली मैंने अच्छे से बांध दिया है। अभी फ्रेंड जो इसकी बोतल है इस पाइप के ऊपर यहाँ पे मैंने इस तरीके से एरल टाइट की मदद से मैंने इसे चिपका दिया है। तो आप चाहो तो अगर ग्लूगन का इस्तेमाल करोगे तो वो ज़्यादा मजबूती से चिपकेगा। तो यहाँ पे जो ये डिवाइस मैंने लगाया हुआ है इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा फेविक्विक लगाकर यहाँ पे मैंने इस तरीके का एक प्लाई का टुकड़ा काट लिया है, और इस प्लाई को मैं इसके ऊपर इस तरीके से चिपका दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ट्रिगर बनाने वाला हूँ, तो उसी के लिए यहाँ पे मैं इसे चिपका दे रहा हूँ। तो अभी हम इस पर फेविक्विक लगा के अच्छे से मजबूत कर देंगे। तो अभी ये हमारा कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक जो साइकिल की जो मोटी वाली तीली होती है उसे मैंने ले लिया है, और इसके आगे के साइड में मैं थोड़ा धागा बांधने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसके आगे थोड़ा सा धागा बांध दिया है, और धागे को बांधने के बाद मैं इसे फेविक्विक से चिपका दे रहा हूँ। अभी जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हमें काट के निकाल देना है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा धागा है उसे मैंने काट करके निकाल दिया है। तो अभी फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक जो पतली वाली जो प्लाई होती है उसका मैंने एक ट्रिगर बना लिया है, और जो यहाँ पे मैंने जो साइकिल की तीली जो कट की थी उसे मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने एक नीचे होल कर दिया है। उस होल पे अगर मैं ऊपर से ठोकता हूँ तो ये उस होल में जाके अंदर घुस जाता है, और यहाँ इसे मैं पीछे के साइड में फेविक्विक से चिपका दे रहा हूँ ताकि वो निकले नहीं। तो भी फ्रेंड्स ये हमारा ट्रिगर मैकेनिज्म था, तो इस तरीके से हमारा ट्रिगर काम करेगा, अभी मैं आप लोग आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्लाई का टुकड़ा लगा दे रहा हूँ ताकि ये जो ट्रिगर को वो ज़्यादा आगे जाने से रोके। तो भी फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक छोटा सा रबड़ ले लिया है। तो ये रबड़ फ्रेंड जो गुलेल में जो रबड़ लगती है ये वो वाली रबड़ है। तो जहाँ पर भी आपके गुलेल मिलती होगी उस शॉप में अगर आप जाओगे तो ये रबड़ आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इस रबड़ को ले लेना है, और इस तरीके से ऊपर से हम इसे धागे से बांध देंगे थोड़े से रबड़ को लेकर के, और यहाँ पे मैं इस तरीके से फंसा देना है। अभी फ्रेंड्स अगर मैं इसे खोल करके इस ट्रिगर को यहाँ पे मैं इस तरीके से लॉक कर दूँ तो ये हमारा ट्रिगर का काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसे लॉक कर दिया। अभी जब मैं इसे दबाऊँगा तो ये इस तरीके से जो ऊपर जो हमने एयर का सप्लाई पास करने के लिए जो हमने डिवाइस लगाया था वो खुल जा रहा है, और जो इसके अंदर की जो एयर होगी वो पास हो जाएगी और इसकी जो गोली होगी वो चलेगी। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा ट्रिगर मैकेनिज़म इसका काम करता है। तो अभी फ्रेंड्स आगे के साइड में हम एक दिखावटी साइलेंसर लगाएंगे। उस साइलेंसर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स उस साइलेंसर को हम यहाँ पे शो के लिए लगाएंगे। तो इस साइलेंसर को बनाने के लिए हमको क्या करना है, जो घरेलू वायरिंग वाली जो पाइप होती है उसे मैंने ले लिया है, और यहाँ पर मैंने चार इस तरीके से लाइनिंग कर दी है, और इस लाइनिंग पर मैंने दो दो सेंटीमीटर के गैप पर इस तरीके से निशान लगा दिया है, और इस निशान पर मैं होल कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक होल इतने सारे होल कर दिए हैं। अभी फ्रेंड्स सभी होल के बीचों बीच में हमें इस तरीके से कुछ निशान लगा लेना है, और फिर इन सभी निशान पर हम और होल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसमें सभी होल कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा फिनिश करके इसे अच्छे से सफाई कर देंगे ताकि ये देखने में क्लीन लगे, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे अंदर से और बाहर से अच्छे तरीके से पेंट कर दे रहा हूँ ताकि ये देखने में लोहे का लगे, ये ना लगे कि ये प्लास्टिक है। और फ्रेंड्स इसको हमको पाइप के ऊपर आगे के साइड में यहाँ पर लगाना है। तो इसको आपको ध्यान देना है, इसे हम ग्लूगन की मदद से लगाएंगे, और ये आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारा साइलेंसर है वो बीचों बीच लगना चाहिए, वो साइड में नहीं लगना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लूगन को अच्छे से लगा देने के बाद यहाँ पे मैंने पेचकस को गर्म करके इसे अच्छे से फिनिशिंग दे दिया है, जिससे कि इसका ये लुक आया है। और जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लू था उसे मैंने ब्लेड की मदद से काट करके निकाल दिया है, और फिर पेट्रोल से मैंने साफ़ कर दिया है, तो वो अच्छे से फिनिशिंग लुक उस तरीके का बन गया है उसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसके ट्रिगर के ऊपर पेंट कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर देखने में ये थोड़ा अच्छा लगे। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ट्रिगर
पे मैंने पेंट कर दिया है और ये बिल्कुल अच्छे से बन के कम्प्लीट हो चुका है 100% ये चलने के लिए। तो चले फ्रेंड्स अभी हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो अभी फ्रेंड्स ये गन जो है वो पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट हो चुकी है। आप बताना कि इसका लुक आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। अभी फ्रेंड्स इसको बनाते वक्त मैंने आप लोग को बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में नहीं बताई थी जो कि मैं आप लोग को अभी बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने पाइप लगाई थी तो वो मैंने आप लोग नहीं बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पाइप के आगे एक छोटा सा होल है और इसके पीछे देखने के लिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है। तो अगर आप इस होल में देखते हो तो यहाँ पे आप देखते हो जो इसके आगे मैंने होल किए इसमें से देख करके आप टारगेट पे निशाना लगा सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो इसके अंदर का होल दिख रहा होगा यहाँ से, तो आप टारगेट पे देख के इसकी मदद से आप निशाना लगा सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसकी पाइप है इसे मैंने यहाँ पे चिपका दिए ताकि ये पाइप गलत तरीके से ना मुड़े क्योंकि एयर इसी में से निकलेगी। और जो इसकी बोतल है उसे मैंने एरल लाइट से चिपकाया था, तो एरल लाइट से चिपकाने के कारण ये बोतल अच्छे तरीके से चिपकी नहीं थी जो कि बाद में निकल गई थी। तो यहाँ पर मैंने इसे ग्लूगन से चिपका दिया, अभी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मजबूत तरीके से चिपक गई, अभी ये निकलेगी नहीं। और जो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से पेंट वेंट कर दिया है और ये देखने में इसका लुक कैसा लग रहा है आप। तो दोस्तों चलिए अभी हम इसको चला के देखेंगे। तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले जो इस तरीके का जो कंचा होता है इसको हमको क्या करना है, एक हम टिश्यू पेपर ले लेंगे और इसमें हम थोड़ा इस तरीके से इसे लपेट देंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमें इसे लपेट देना है ऐसे और इसके बाद कुछ इस तरीके से, और उसके बाद इसके पाइप में हमें ऊपर से इसे ऐसे डाल देना है। तो फ्रेंड्स इसमें हवा भरने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज़ को लॉक होना ज़रूरी है। तो अगर आपका ये ऐसे हो तो आप इसे लॉक कर देना यहाँ पे कुछ इस तरीके से लॉक हो जाएगा। अब हम इसमें 20 से 25 PSI तक हवा भरेंगे, तो यहाँ पे मैं इसे लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें हवा भर चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो 30 PSI तक यहाँ पे मैंने इसमें हवा भर दिया। तो चलिए अभी यहाँ पे मैं इसे खोल दे रहा हूँ और इसे चला के देखते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर मैंने इसमें हवा भर दिया है 30 PSI तक और वहाँ पे मैंने टारगेट अपना रख दिया है। तो चलिए अभी देखते हैं कि इसकी स्पीड कैसी है। तो चलिए अभी हम इसे चलाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ, मैं कोई भी ज़्यादा पावरफुल गन नहीं बनाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस में किसी भी तरीके का होल नहीं हुआ है इस पटरे में, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ ये पटरा जो है बिल्कुल सही सलामत है, इसमें किसी भी तरीके का होल नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा गन काम करता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।